सती जी कहने लगी कि अभी अभी अगस्त जी के यहां हम कथा सुन के आई हैं, लेकिन प्रभु मेरे मन में संशय है। भगवान शंकर ने कहा और मैंने उनको प्रणाम किया और कहा कि जय सच्चिदानंद पर धामा, तो भी तुम्हारे मन में संशय है। तो शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव शरभज्ञ जान सब कोई। भगवान ने समझ लिया कि सती को संशय है, मोह है और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। शंकर जी ने कहा भाई देखो हम तो वहां प्रकट नहीं किए, जब तुम्हारे मन में संशय है मोह है तो ऐसा करो कि जाओ और उनकी परीक्षा ले लो, क्योंकि वो जो दशरथ राजकुमार हैं वही सच्चिदानंद हैं, वही मेरे इष्ट हैं, मैंने उन्हीं को प्रणाम किया है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं तुम ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने ति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं, कहिने ति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, पति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। जिनको मैंने प्रणाम किया है वही मेरे आराध्य हैं, लेकिन लागन और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी जी। भगवान ने कहा कि जब तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो किन जाहि परीक्षा ले, तुम जाओ और उनकी परीक्षा ले लो कि वास्तव में ये कौन है, तुमको पता चल जाएगा अगर ये सामान्य राजा के पुत्र हैं या सच्चिदानंद हैं, आप जा करके उनकी परीक्षा ले सकती हो। भगवती सती ने मार्ग में किमकाष्टाम हितस्थौ वै चरितम दंपति उभौ, अतः वागर्थाविव संप्रिक्तौ शक्तिशौ सर्वदा चितौ, कथम घटे तचतयोर वियोगस्तत्वतो मुने। शंकर जी ने कहा कि जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से सन्नद्ध हैं, उसी प्रकार से सीताराम जी हैं, इनमें वियोग नहीं होता है, ये लीला कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें संशय है तो तुम जाओ, तुम परीक्षा ले लो। और भगवती सती आई तो जहां मार्ग में पृथ्वी पर भगवान लीला करते हुए चल रहे थे, तो सती जी ने विचार किया कि इनकी परीक्षा भी ले लेनी चाहिए। भगवान शंकर वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहीं भगवान का नाम जपने लगे, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि सती का अब कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हो ही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, और सती गई जहां प्रभु सुखधाम। सती वहां गई, बार बार मन में विचार की और भगवती सीता का रूप धारण करके वन में बैठ गई। मार्ग में पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नर भूप। जिधर से आ रहे हैं ठाकुर जी, बीच रास्ते में ही ये पड़ी हैं, वो तो विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनको पकड़ रहे हैं, वृक्षों लता पताओं से रो रहे हैं। तब तक भगवती सती को लक्ष्मण जी ने देख लिया और जान लिया कि ये तो साक्षात उमा जगदम्बा हैं और इस समय श्री सीता जी का रूप धारण की है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा निज अज्ञ, ये जब देख लिया लक्ष्मण जी तो चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, बड़े आश्चर्य में पड़े कि यहां अकारण निर्जन वन में भगवती सती कहां से आ गई। लेकिन भगवान को वो जानते हैं तो कुछ बोले नहीं, कही न सकत कछु अति गंभीरा, क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी बड़े धैर्यवान बुद्धिमान हैं,
कुछ उस समय नहीं बोले। लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं और आगे आगे श्री राम भगवान वियोग में। हा सीते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और तब तक भगवान ने देखा कि सती मार्ग में बैठी और भगवती सीता का रूप धारण कर लिया है। तो सती कपट जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। राम जी ने जान लिया वो भगवती सीता नहीं उनको दिख रही हैं, उनको तो साक्षात शिवांबा शिव की प्रिया अंबा भगवती सती दिख रही है। इसलिए उनको प्रणाम किया। जो विश्व को बनाने वाला जादूगर है उस जादूगर के आगे कोई जादूगरी क्या करेगा। अयोध्या में एक जगह भंडारा था एक मंदिर में, तो मैं गया था। महंत जी हमको बहुत मानते हैं और बड़ा व्यवहार है, बड़े श्रीमान हैं। तो प्रयाग के उनके दो शिष्य वहां आए थे, तो हमको ले गए, कहे चलिए हमारे कक्ष में ही आप प्रसाद पाइएगा, और सबको विदा कर दिए। तो मैं उनके कक्ष में गया और वहीं प्रसाद पाया, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे शिष्य हैं और प्रयाग के रहने वाले हैं, दोनों जादूगर हैं। तो हमारी जिज्ञासा हुई, हमने कहा महाराज भोजन तो हो गया, अब जब दोनों जादूगर आपके शिष्य हैं तो कुछ ही अपनी कला दिखावें। हम लोग जिज्ञासु हैं, हम लोग तो पैसा दे करके भी देखने जाने में संकोच करते हैं यहाँ घर बैठे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरु जी ने इशारा किया, मैंने कहा कि कुछ अपना जादू इनको दिखाओ। तो वो बेचारे बैठे रहे खा पी करके। तो उन्होंने कागज का टुकड़ा मंगाया और कागज के टुकड़े को लपेटा और एक पात्र लिए, उसी में डाल करके फूंक दिया तो बड़ा सुंदर फूल हो गया। फिर उन्होंने एक हल्दी मंगाई, दो तीन हल्दी उसी में क्या किया किए और फूंक दिए तो कबूतर प्रकट हो गया। अरे हमने कहा गजब, हमको बड़ा आश्चर्य, सब वहां दिख रहा है, कमरे में तो कहीं कबूतर था नहीं। तो हमने देखा, हम कहे बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने उनके साथ वाले व्यक्ति से पूछा, हम लोग लॉजिशियन रहे, तार्किक विषय ही तर्क मेरा साथ 12 बरस तक पढ़े, तो इसलिए मन में जल्दी कहीं महाविश्वास तो होता नहीं, विश्वास तो भगवान की इच्छा से करना ही पड़ता है। तो मैंने उनसे उनके साथ वाले से पूछा, ये बताइए कि हल्दी को जब ये मिलाए पात्र में डाले और जब वो बर्तन खोले तो उसे कबूतर निकला, तो क्या आपको भी कबूतर और हल्दी दोनों का भेद दिख रहा था? ईमानदारी से बताइएगा, तुम्हारे गुरुजी यहीं बैठे हैं। और कागज को इन्होंने सुंदर फूल बना दिया। उसने कहा महाराज हमको कागजे दिख रहा था, हमको हल्दिये दिख रही थी, कबूतर आपको दिख रहा था। हमने कहा गजब की बात है। कहा कि मायापति सेवक सन माया, भगवान की माया सब पर लगती है लेकिन उनके भक्त पर, जो मायापति का सेवक है उस पर जादूगरी नहीं चलती है। लक्ष्मण जी ने तो देख ही लिया कि ये साक्षात भगवती सती हैं, और भगवान देखे तो उनको सती ही लग रही हैं, क्योंकि वो सती ने सीता जी का रूप धारण किया। संसार के लोगों की दृष्टि में वो सीता दिखेंगी, लेकिन जो जगतपति हैं, जो विश्व को बनाने वाले जादूगर हैं, उनकी नजर में तो जैसी हैं वही दिखेंगी। गीता में भगवान ने वर्णन किया है कि विश्व को बनाने वाला विश्वंभर जो जादूगर है परमात्मा, उसकी लीला को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। और गीता में भगवान कह रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदत तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैन मन्यः श्रोति, श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित। कोई उसको आश्चर्यमय देखता है, कोई आश्चर्यमय सुनता है, कोई आश्चर्यमय जानता है, सर्वाश्चर्यमयो हरि, और कोई जान करके भी पता नहीं पाता है कि ये क्या है। यही भगवान का वैशिष्ट्य है, उनकी लीला है कि भगवान के सारे चरित्र आश्चर्यमय है। शिव बिरंच कहु मोहई को है बपुरायान, जब वो लीला करते हैं तो ब्रह्मा शिव बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते। तो भगवान आश्चर्यमय है, विश्व के सबसे विलक्षण जादूगर हैं। अगर 1.5 अरब जनसंख्या भारत की है, 6.5 अरब जनसंख्या विश्व की है, तो भी सबके स्वभाव और प्रकृति एक जगह नहीं मिल, एक तरह से नहीं मिलते हैं।
अब क्लोन की सृष्टि क्या क्या लोग करें वो बात अलग है, लेकिन यथार्थ ये है अनंत सृष्टि होने पर भी भगवान की अनंतता बनी रहती है। उनका पता पाना, उनके स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ने जान लिया कि सती के ऊपर जो होगा अब ये जाने, सती जी ने भगवती सीता का रूप धारण किया, राम जी ने जान लिया और श्री राम सती जी को देख करके कहे कि भगवती भगवान शिव कहाँ है, आप अकेले इस घने वन में विचरण कर रही हो, क्या कारण है। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू अपिता समेत लीन निज नामू। राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूं, कह सच्चिदानंद जग पावन, जो आपके पति हमें सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए मैं वो नहीं हूं, जैसे तुम कर रही हो वैसे हम भी कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि हे भगवती दशरथ का पुत्र यह अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। तब उनको आश्चर्य हुआ कि जब दशरथ का पुत्र राम है तो पत्नी को देख के इनको तुरंत पकड़ लेना चाहिए, ये कैसे जान गए। तो बता रहे हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं फिर भी सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूं, लेकिन आपकी बुद्धि में यह समझ नहीं आया। तो जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू अपिता समेत लीन निज नामू। अकुशल समाचार पूछने लगे कि हे भगवती बहुरी कहेउ कहेउ बहुरी बहुरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिर ही के ही है। अकेले आप कैसे वन में घूम रही, पति को छोड़ करके परम पतिव्रता हैं। तुलसी कह रहे हैं कि राम बचन सुनी गूढ़ राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा मन संकोच सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सची को और सती को चिंता बढ़ गई कि ये तो हमको पहचान लिए अपना परिचय दे रहे हैं, मन बड़ा संकुचित हुआ, न बोली न बतियाई, वहीं से लौट गई कि परीक्षा लेने आई थी, परीक्षा लेने वाला परीक्षक ही फेल हो गया तो परीक्षा किसकी क्या लेगा। जब ये लौट पड़ी तो ठाकुर जी ने कहा कि कुछ इनको बताना चाहिए। तो जब ये लौटने लगी तो जाना राम सती दुख पावा तो निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा। सती क्या देखती है, सती दीख कौतुकम गजाता आगे राम सहित श्री भ्राता। जब ये जा रही तो देख रहे हमारे आगे आगे श्री राम लक्ष्मण और भगवती सीता चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा पत्नी के लिए रो रहे थे, आगे कहां से चल रहे हैं। फिर पीछे मुड़ के देखी तो पीछे देखी तो वहां भी श्री राम लक्ष्मण और सीता जी आ रहे हैं। जब दाएं देखा तो श्री राम लक्ष्मण रो रहे हैं राम जी, बाएं देखी तो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर जगह श्री राम है। जहां चित वहीं तह प्रभु आसीना सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे शिव विधु विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एकते एका। सबको देखा लेकिन श्री राम जी को दूसरा नहीं देखा। जहां देखती हैं वहीं श्री राम ही इनको दिखे। सती डर गई, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई और हृदय कंप तन सुधि कछु नाही नैन मूदि बैठी मगमाही। डर गई कि ये क्या मैं देख रही हूं। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, सती के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे, जब गई तो गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। एक तो पति की बात नहीं मानी वहां दोष किया, दूसरे पति ने पूछा कैसे परीक्षा लिया तो बतलाई कि नहीं नहीं वो तो आप ही की जैसे हमने भी प्रणाम किया और लौट आई। यहां भी भगवान शंकर से झूठ बोले कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भगवान शंकर ने जान लिया कि ऐसा तो संभव नहीं है,
हमारे कहने पर ये प्रणाम नहीं की और राम जी के पास जाएंगे तो प्रणाम करके ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहां जाएगा वहां संशय होना ही है, चाहे जो कुछ करे। बड़े बड़े तार्किक और मार्किक जितने हैं अपना संशय लेकर के, एक हमारे परिचित सज्जन है, उनका नाम नहीं लेंगे, मीडिया में बड़े वो विशिष्ट हैं, रोज उनका आता है, तो वो भी गए बड़ा जुगाड़ उगाड़ करके और बड़ा शोर शोर लगाए और बहुत कुछ सोच साच के गए, लेकिन बागेश्वर बाबा ने उनकी पोल पट्टी ऐसी उघेड़ी कि बेचारे बेइज्जत के मारे 3 महीना छिपे छिपे फिरते रहे, कहे कि क्या मुंह दिखावे। उन्होंने गलती ये की कि उनसे जानकारी तो लेना चाहे, उनका चरण पकड़ के प्रणाम कर लिए तो सब मीडिया वाले उनके पीछे पड़ गए कि तुम पहले से मिले जुले हो, बेकार है ये, वह बड़े दुखी भी हुए हो। कहने का मतलब कि और जगह तो सब आपकी चल जाएगी, लेकिन जहां हनुमान जी की गदा विद्यमान है, जहां हनुमान जी बैठे हैं, वहां किसी की माया चल ही नहीं सकती है। बाबा जी जब भी कोई बात आती है तो गदा ही उठा के दिखाते हैं वो, अगर उनके हाथ में गदा है तो सब जादू उसी में है, और वो मंत्र की शक्ति और दैवी शक्ति को ऐसा दिव्य तेज प्रदान करता है कि अकल्पनीय कल्पना हो जाती है। एक हम उदाहरण बता रहे हैं तो ये महाविश्वास है, भगवान पर विश्वास है, लेकिन सती जी को शंकर जी पर विश्वास नहीं हुआ, अपने पति पर नहीं विश्वास हुआ, और नहीं तो पति से भी झूठ बोली तो शंकर जी ने जान लिया ध्यान में कि सती ने मेरी आराध्या भगवती परांबा जगत जननी सीता जी का रूप धारण किया है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, 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 सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब सब जान लिया। शिव जी ने यह मान लिया कि आज सती ने भगवती सीता का रूप धारण किया है, इन्होंने मेरे आराध्य श्री राम की प्रिया भगवती सीता का रूप धारण किया है, अब मैं सती को अगर अपनी पत्नी के रूप में वाम भाग में बैठाता हूं तो जो सीताराम मेरे हृदय में हैं, जो उनकी छवि तेहि पुनि राम राम दिन राती सादर जपहिं अनंग राती, वह छवि जो मेरे हृदय में मेरे इष्ट मेरे प्रभु की है, मैं उनका प्रभु वे मेरे प्रभु हैं, वही छवि भगवती सती ने धारण किया है तो भक्ति का दोष हो जाएगा। इसलिए शंकर जी ने संकल्प ले लिया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। अब इस शरीर से देवी सती का मैं अंग स्पर्श नहीं कर सकता प्रिया के रूप में, क्योंकि आपने मेरी आराध्या का रूप धारण किया है। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि जय महेश भली भगत दृढ़ाई, चलत गगन भई गिरा सुहाई। क्या आकाशवाणी हुई कि असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। जय हो भगवान भूत भावन शिव की जय हो। आकाशवाणी ने कहा आपके समान ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता है। सती ने पूछा प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा की? शंकर जी ने मन में प्रतिज्ञा की है, बोलते तब तो सुन ही लेते। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही।
पहले हम 10 से 12 चाय रोज पीते थे, भोजन मिले या ना मिले, और 30-35 बरस तक बिना चाय के रह ही नहीं सकते। बड़ी परेशानी, छूटे नहीं, गुरुजी ने मना किया तो भी, संकल्प लिए बोल करके तो भी नहीं छूटा। गए जगन्नाथ जी का दर्शन किए और कहे आए कि अब आप ही सुधारो, आप पतित पावन हो, हम पतित हैं, अब आप नहीं सुधारोगे तो आदत छूटेगी नहीं। आ 2 मिनट अगर चाय मिलने में देर हो जाए तो पहाड़ गिर पड़े, ऐसी हालत होती थी। मानो 100 रुपया किलो से लेकर के 32,000 रुपए किलो तक की चाय नशा ऐसा था जुगाड़ करके लेना पीना, ऐसी बुरी आदत हो गई। लेकिन जब मन से दृढ़ निश्चय किया, ठाकुर जी की शरणागति पकड़ा, किसी के सामने प्रकट नहीं किया, तो 10-12 वर्ष हो गए, छूट गया, कहीं चाय की गंध भी पसंद नहीं आती है, जबकि उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। 3 दिन भोजन न मिले, चाय मिले, गाड़ी चल जाती थी, लेकिन अब वो नहीं, एकदम नहीं, तनिक भी मन नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हृदय अंतःकरण एक विषय का गुलाम हो गया है, और विषय का गुलाम होने के कारण उससे मन को हटाना बड़ा कठिन है। बार बार विचार करने पर भी, संकल्प करने पर नहीं छूटता, और जब मन में प्रतिज्ञा कर ली तो छूट गया। शंकर जी ने मन से प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस शरीर से सती का स्पर्श नहीं हो सकता, यही तन सती भेंट मोहि नाही। सती जी ने बहुत पूछा कि प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा की है, लेकिन तदपि न कहूं त्रिपुर आराती, बताया नहीं। सती जी ने जान लिया कि मैंने अपने पति से, जो सर्वज्ञ हैं, उनसे मैंने छिपाव किया है, इसीलिए लगता है इन्होंने कुछ प्रतिज्ञा कर ली है। तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं कि जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। जल जब दूध में मिल जाता है तो दूध के भाव वो भी बेचारा बिक जाता है। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, लेकिन बिरल होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। इतना सामान्य जल दूध के भाव बिक जाता है, लेकिन उसी दूध में अगर कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो बिलगांव हो जाता है। पति पत्नी में अगर विशुद्ध प्रेम है और कहीं कपट, संशय, भ्रम, अविश्वास आया तो तुरंत वहीं पर वह प्रेम खंडित हो जाता है। सती भगवती को बड़ी चिंता है। शिव पुराण में यहां वर्णन है कि भगवती सती कैलाश में रहती हैं। शंकर जी ने जान लिया है कि प्रिया के द्वारा दोष बना है। अब अन्य मनस्क हो करके, बार बार समाधि में रह करके भगवान का चिंतन ध्यान करते हैं। सती जी को मन में ये ग्लानी है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के यहां देवताओं की सभा थी, और उसी सभा में, ब्रह्मा जी के सभा में जो कथा शिव पुराण में है यही भागवत में है, और यही यहां मानस में भी तुलसी ने, तीनों जगह बराबर एक ही जैसी शैली लिखा गया है। तो वहां पर सारे देवता आए, सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, अपने अपने स्थान बैठ गए। दक्ष प्रजापति उस सभा में आए, सारे देवता उठ करके खड़े हो गए, ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं, इसलिए ब्रह्म सभा में वो उठ कर नहीं खड़े हुए। भगवान शंकर दक्ष के दामाद हैं, दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ है, लेकिन शंकर जी भी उठ करके खड़े नहीं हुए। तो दक्ष बड़े नाराज हुए और क्रोध में भर करके दक्ष ने सभा के बीच में कहा, विशेष करके अपने पिताजी पर ही पहले बिगड़ गए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, बानर के आंख वाला यह शिव देखो, सारे देवता मुझको प्रणाम करते हैं, मेरे आने पर उठ के खड़े हुए,
आपके कहने से मैंने अपनी पत्नी इनको, अपनी पुत्री इनको दिया है। आपने कहा कि शिव के साथ ब्याह दो और मैंने अपनी पुत्री इनको दे दी, और आज ये देखिए इनका काम कि मैं बड़ा हूं, मेरे आने पर ये उठ करके खड़े नहीं हुए। इसने लोकपालों की मर्यादा का नाश किया है। अयम ही लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, ये निर्लज्ज है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि आज से इनको यज्ञ में भाग न दिया जाए, क्योंकि ये मर्यादा के नाशक हैं। इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया है, मैं प्रणम्य हूं, हमने इनको कन्यादान किया है। इसलिए जो दाता होता है वो श्रेष्ठ होता है, जो प्रतिगृहीता होता है वो उसकी अपेक्षा वहां पर श्रेष्ठ नहीं होता है। इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, इन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, और इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया। संस्कृत में दाता को उत्तमर्ण कहा गया है, देने वाले को उत्तमर्ण, और जो दान लेता है उसे अधमर्ण कहा गया है। अधमर्ण का अर्थ अधमरा नहीं है, एक संज्ञा है। दाता को उत्तमर्ण, प्रतिगृहीता को अधमर्ण कहा गया। मैंने कन्या दी, जब कन्या देगा कोई पिता तो इयम सीता मम सुता सह धर्मचरितव पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, तो कन्या का हाथ पिता वर के हाथ में देता है तो दान करता है। मैंने इनको अपनी पुत्री दी, इसलिए मैं बड़ा हूं, मैं गुरु स्थानापन्न हूं, मेरे आने पर इनको उठ करके खड़े होना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रणाम करने की तो बात ही अलग है, उठ करके खड़े भी नहीं हुए। एते हि सर्वे चसुरा सुरा भृशम नमन्ति माम विप्रवरास्तथर्षयः, सारे ऋषि देवता हमें प्रणाम करते हैं। कथम ह्यसौ दुर्जनवन महामना त्वभूत तु यः प्रेत पिशाच संवृत, भूत प्रेतों के साथ रहने के कारण इनके संस्कार ठीक है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि आज से देवैर न भागम लभताम सहैव, देवताओं के साथ इन्हें यज्ञ में भाग न दिया जाए, क्योंकि श्मशान वासी कुल जन्महीना, इनके कुल खानदान का पता नहीं है और श्मशान में रहते हैं, तो यज्ञ में इनको बुलाने की क्या जरूरत है। जब व्यक्ति का किसी से द्वेष हो जाता है, जब किसी के प्रति मन में अन्यथा भाव आ जाता है, तो गुण सारे छिप जाते हैं, केवल दोष ही दिखने लगता है। जहां गुण है उसमें भी दोष का अनुसंधान होने लगता है, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन केवल भगवान का ही ऐसा स्वभाव है कि वो गुण ही देखते हैं, दोष कभी देखते ही नहीं। भगवान की दृष्टि जाती नहीं, देखी दोष कब हुन उर आने, यही भगवान की भगवत्ता है। अगर हम जैसे पतित जीवों के दोषों को ठाकुर देखने लगे तो हम मन में, व्यवहार में, अंदर छिप के बाहर कौन कौन सा अपराध पाप करते हैं, हमारा अनंत जन्मों में भी उद्धार नहीं होगा। लेकिन ठाकुर सब जगह विद्यमान है, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ जानते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साईं सुनता है, चींटी के पग की नूपुर की ध्वनि भी उस अनंत परमात्मा को सुनाई देती है। वो अड़ोरणीयान महतो महीयान, वो सूक्ष्म परमाणु से भी सूक्ष्म है और अनंत ब्रह्मांड से भी विस्तार वाला है, इसलिए सब जानता है। और जो सब जानता है, जो जगत नियंता है, सब कुछ जानता है, तो उस परमात्मा के लिए अज्ञात कुछ है ही नहीं। तो जब सब कुछ वही है, जल में भी थल में भी सारा जगत उनका ही स्वरूप है, तो उनके लिए कौन प्रणम्य है, वो किसको प्रणाम करेंगे। लेकिन दक्ष को लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूं, मैंने कन्यादान किया, इन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। दक्ष कहते हैं कि ये श्मशान वासी हैं और कुल जन्महीन हैं, इसलिए इन्हें यज्ञ में भाग न दिया जाए। और आपके कहने से पिताजी मैंने अपनी कन्या इनको दी है।
क्रोध में भर करके जब शाप दिया तो नंदी सहन नहीं कर सके। नंदी निशम्य तद वाक्यम लोलाक्षो तिरुषान्विता। नंदीश्वर भगवान के नेत्र एकदम क्रोध से लाल हो गए और नंदीश्वर ने क्रोध में भर करके दक्ष को शाप देते हुए कहा कि इस मूढ़ बुद्धि दक्ष को देखो, इसने मेरे स्वामी भगवान शिव को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। महेशो ही कृतः कथम यज्ञ बाह्यो ही मे स्वामी। जिनके यज्ञ के कारण ही, यज्ञ पुरुष होने के कारण ही यज्ञ संपन्न होता है और उनको ये बहिष्कृत करने का कौन अधिकारी है। जिनका नाम लेने से बड़े बड़े यज्ञ पवित्र हो जाते हैं उन भगवान शिव को ये शाप कैसे दे सकता है। इसने ब्राह्मण की चपलता के कारण भगवान शिव को व्यर्थ में शाप दिया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि दक्ष को तत्व बोध न हो, इसे ज्ञान न हो, ये कर्म के पचड़े में पड़ा रहे और कर्म से कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म का अभिमान होता है कि मैंने यज्ञ किया, मैंने व्रत किया, मैंने दान किया, तो मैंपन का एक कर्तृत्वाभिमान होता है, ये भी सूक्ष्म अभिमान है। और जब तक सूक्ष्म अभिमान दूर नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण नहीं है। कर्तृत्वाभिमान दूर हो जाए, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि हे प्रभु सब कुछ करने वाले आप हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी मोहन, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से।
सब काम हो रहा तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है ओ तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है तेरे ही प्रेरणा से मोहन तेरे ही प्रेरणा से एक कमाल हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ओ सब काम हो रहा है मेरे मीमांसा में यज्ञ का संकल्प लेने वाला जो यजमान है उसे पुण्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर उसमें कर्तृत्वाभिमान है तो क्योंकि वहां कर्ता भिन्न रहता है तो हम कर्ता हैं कर्म यज्ञ कर रहे हैं उससे मिलेगा स्वर्ग लेकिन स्वर्ग के बाद छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति परंतु जो भगवान का हो करके और भगवान के निमित्त तो उनकी ही कृपा से उनका आश्रय लेकर के कर्म करता हुआ संसार में जीता है वो स्वर्ग नहीं वो भगवत धाम का अधिकारी होता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम जहां से जा करके लौटना नहीं पड़ता है इसलिए भगवान श्री यमुनाचार्य जी महाराज महाशास्त्र के पंडित हैं लेकिन बुद्धि में अभिमान नहीं है कर्तृत्वाभिमान कि मैं कुछ करता हूं तो वो भगवान से वंदन करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्या त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये मैं धर्मात्मा नहीं हूं न धर्मनिष्ठ हूं उसमें न चात्मवेदी न मुझे ज्ञान है न बुद्धि है न भक्तिमान त्वच्चरणारविंदे जैसी आपके चरणों के प्रति भक्ति होनी चाहिए वो भी नहीं है मैं अकिंचन हूं सबसे गया गुजरा हूं लेकिन हे प्रभु फिर भी हम आपकी शरण हैं हम आपके हैं इसलिए हे नाथ अकिंचनो नन्य गति शरण्य त्वदपाद मूलम शरणम प्रपद्य आप जैसा चाहो वैसा कराओ दक्ष यज्ञ करते हैं यज्ञ कर्म है और कर्म में कर्तृत्वाभिमान है इसीलिए शाप दिया नंदीश्वर ने कि तुझे तत्व ज्ञान न हो कर्तापन का अभिमान रहेगा और तुम स्वर्ग तक जा सकते हो लेकिन शिवलोक उस दिव्य भगवान के वैकुंठ को नहीं जा सकते जहां से जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता शाप दे दिया यज्ञ के बारे में जब कहा तो भृगु आदि नाराज हो गए इसलिए भृग्वाद्यैर दुष्ट चित्तैश्च मूढ़ैः सह उपहासित उन्होंने नंदीश्वर का उपहास किया तो
उन्होंने कहा कि तुम जैसे जो ब्राह्मण हैं वेदवाद में फंस करके, वो सब तत्व ज्ञान शून्य हो जाएंगे। सारे ब्राह्मणों को नाराज कर दिया उन्होंने, शाप दे दिया कि ब्राह्मण वेदवाद का तो प्रतिपादन करेंगे लेकिन तत्वबोध नहीं होगा। उदाहरण के लिए पुत्र अपनी अपने पुत्र को अस्वस्थ देख करके मां बालक को दवा पिलाती है और कहती है बालक ये दवा ले लो, तो बालक दवा नहीं पीना चाहता क्योंकि कड़वी दवा है, और कड़वी दवा लेगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। लेकिन मां अपने पुत्र को स्वस्थ करना चाहती है इसलिए बालक को यह कहती है अगर तुम ये दवा पियोगे तो तुमको हम एक लड्डू देंगे। तो लड्डू का लोभ दे करके अपने बालक को स्वस्थ करने के लिए माँ उसे कड़वी दवा पिलाती है। माँ का लक्ष्य बालक को लड्डू खिलाना नहीं है, माँ का लक्ष्य है बालक को पूर्ण स्वस्थ कर देना, लेकिन लड्डू का लोभ दे करके उसको कड़वी दवा देती है। तो भगवान का लक्ष्य है जीव मेरा हो करके मेरे धाम में आ जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए, लेकिन जीव कर्म करेगा बिना नहीं, कर्म किए रहेगा नहीं, तो लोभ देते हैं स्वर्ग का कि स्वर्ग के लोभ में कम से कम ये कर्म करे और बाद में मुझ परमात्मा को सारा कर्म अर्पित करके मेरा अधिकारी हो जाए। लेकिन जो कर्म के देवता हैं वो उसी को सब मान लेते हैं, भगवान की सत्ता ही नहीं स्वीकार करते। करते हो तुम कन्हैया, उन्हें विश्वास ही नहीं है, करता हूं मैं कन्हैया मेरा ही नाम हो रहा, ये दोष आ जाता है। तो दक्ष तुम्हें तत्वबोध न हो, शापा शापी हो गई। भृगु जी ने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया कि वो जो है श्मशान में रहे, हड्डियों की माना पहने, अपवित्रता हो। शंकर जी सभा से उठ करके चल दिए, सभा से उठ करके भगवान शंकर वहां से चले आए, नंदीश्वर भी चले आए। लेकिन जो गण थे, सती जी जो पिता के यज्ञ में गई थी, वो उन्होंने गण ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करना शुरू किया। तो शापा शापी यहां हो गई, सब लोग लौट गए। बाद में दक्ष ने यज्ञ किया और वह विश्वजीत बृहस्पति सव नाम का दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ किया जो कनखल में हुआ। सारे देवताओं को उन्होंने बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि हमने ही यज्ञ से इनको बहिष्कृत किया है और इनको यज्ञ में बुलाना ठीक नहीं है। तो शंकर जी गए भी नहीं, सती यहां भी नहीं मानी क्योंकि पति ने तो त्याग कर ही दिया है, और उसके बाद सोची कि पिता के यहां जाएंगी, माताओं से बहनों से मिलेंगी, पति से मिलेंगी, पिता से मिलेंगी, थोड़ा मन को संतोष होगा। लेकिन निमंत्रण नहीं आया और उन्हें पता चला कि मेरी बहनें सभी मेरे पिता के यज्ञ में जा रही हैं। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु पिता के यहां बड़ा सुंदर उत्सव है, पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयस होई तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। भगवान शिव ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन तुम्हारा पिता मुझसे वैर करता है, सभा में मैंने तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, वो नाराज हो गया, उसने अपने को बड़ा मान लिया है और ब्रह्मा जो उसके बाप हैं वो भी हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये दक्ष को ज्ञान ही नहीं है। जिस नारायण विष्णु का वो यज्ञ करता है वो विष्णु भी हमारे अंग हैं और हम ही से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दक्ष ने अपनी कन्या का दान करने के कारण अपनों को बड़ा मान लिया तो हमको तो बुलाया नहीं है और तुमको भी वहां जाना ठीक नहीं है। तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न हो। लेकिन सती है, दक्ष की पुत्री है, दक्ष माने चालाक कुशल होता है, तो जब बहुत चालाक कुशल होगा तो थोड़ा संस्कार तो संतान पर आएगी, बाप पर पूत जाति पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो आएगा। तो ये हर बात में संशय करती हैं, ज्यादा चालाकी करती हैं। शंकर जी ने कहा नहीं मानती हो तो जाओ। ये आई सती जी यज्ञ में आई, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब यहां आई नंदीश्वर आदि सारे गण लेकर के आए तो सती जी से सब मिली, बहनें सारी मिली, बड़े विस्तार से वर्णन है। मां ने भी पुत्री का स्वागत किया, सादर भले ही मिली एक माता
बहिनी मिली बहुत मुस्काता, लेकिन दक्ष ने कछु पूछी कुसलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती को पिता के यज्ञ मंडप में गई देखने, तो वहां एक तो कहीं भी भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया था। यज्ञ मंडप में आप जाएंगे तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, जितने भी सर्वतो भद्र मंडल है उस पर सुपारी रख करके प्रत्येक देवता का नाम लेकर के आह्वान होता है, और वो देवता वहां पर आकर विराजते हैं। 9 दिन 11 दिन के लिए वो साक्षी रहते हैं। मंत्र में ये शक्ति, अरे महाराज सांप काट लेता है किसी को तो उसका विष झाड़ने वाला ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं है जो सांप का विष खींचने वाले हैं, न रोज स्नान करता है न गायत्री जपता है, लेकिन सांप के विष को वो मंत्र पढ़ करके खींच लेता है, उसके मंत्र में ये शक्ति है। तो जिसने गुरुकुल में रह करके गायत्री का जप करते हुए शुद्धता पूर्वक जीवन में वेद मंत्रों का अध्ययन किया, वेद मंत्रों को गुरु परंपरा से श्रवण किया है, क्या उस ब्राह्मण के मंत्र बोलने पर देवता नहीं आएंगे? निश्चित ही आते हैं, वो प्रत्यक्ष आते हैं लेकिन दृष्टिगत नहीं होते। अर्जुन ने कहा हम देखना चाहते हैं आपको, भगवान ने कहा देख तो रहे हो, कहा नहीं आपका ऐश्वर्य, तो भगवान ने कहा इस आंख से देखोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसलिए दिद्यम ददामि चे चक्षो पश्चमे योगमैश्वरम, मेरा ऐश्वर्य देखना चाहते हो तो इन नजरों की दृष्टि पड़ेगी, ये नजरें काम नहीं करेंगी, मैं तुम्हारी नजर को दिव्य दे देता हूं, इन्हीं आंखों में इतनी दिव्यता कर दी कि 1 करोड़ से भी अधिक सूर्य का प्रकाश इन आंखों में आ गया, और भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं। तो हम लोग ठाकुर सामने हैं तो भी नहीं पता चलता है कि भगवान है कि और कोई है। बार बार तुलसीदास जी को ठाकुर जी आए और आकर के तिलक चंदन किए चले गए, हनुमान जी से कहे प्रभु राम जी का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा बड़े विचित्र हो, अभी अभी घोड़े पर सवार 2 राजकुमार आए, राम घाट पर तुम चंदन घिस रहे थे, तुम्ही से मांग के चंदन लगाए, तुम बड़ी बारी लगी रहे, निहारी देखते भी रहे, और नहीं उनको बंदन किए न तुम मिले, समझे कि कोई लड़का है। तुलसीदास जी फिर हनुमान जी का चरण पकड़े, कृपा करो भाई, जब जास हृदय आगार वसही राम सर चाप धर है, तो बिना हनुमान जी के कृपा के हृदय से निगर्भ नहीं करेंगे। तो फिर हनुमान जी ने कहा एक बार और, तो जब भगवान तुलसीदास जी चित्रकूट के राम घाट पर बैठे हैं, ठाकुर जी का नाम जपते हुए तिलक चंदन लगाने लगे, अभी घिसे कि तब तक ठाकुर जी आ गए, दोनों भाई धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं और किसी को दिख नहीं रहे हैं। तुलसीदास जी ने देखा भी बड़े सुंदर सुंदर लोग आए हैं, यहाँ मेला लगा है, ये दोनों लोग आए कौन है ये, हनुमान जी बताते थे लेकिन अभी निश्चय नहीं हो पा रहा। तब तुरंत हनुमान जी तोते का रूप धारण करके उसी पेड़ पर बैठे, और चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करें चंदन करत तिलक देत रघुबीर, चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर, तुरंत उनको बोध हो गया कि गुरु मेहरवान तो चेला पहलवान, हनुमान जी ने कृपा की है, चरण पकड़ लिए, ठाकुर का दर्शन हुआ, ज्ञान वैराग्य ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई। ये सामान्य असावधानी हो जाती है, विस्मृत हो सकता है, भगवान की बिना कृपा के, भागवत की बिना कृपा के ये संभव ही नहीं है। जब बड़ी कृपा हो गई, नहीं तो छिप के आते हैं चले जाते हैं, हम आप देखेंगे तो समझेंगे सामान्य है। इस दृष्टि में भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप वो दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, नहीं पहचान पाता है व्यक्ति, तो सारे देवता आकर के विराजते हैं लेकिन हमारी आपकी नजर नहीं। भगवती सती ने देखा लेकिन भगवान शिव को कहीं स्थान नहीं, उनका आह्वान नहीं, इसलिए बड़ी दुखी हुई, अपने पिता को अपने पति के अपमान के कारण बहुत कटु शब्द कहा है, और कहा कि अगर मैं लौट के जाऊंगी अपने पति के पास और वो कहेंगे कि हे दक्षनंदिनी आओ, तो मेरे शरीर में आग लग जाएगी, अब मैं दक्ष की पुत्री नहीं कहलाना चाहती, दाक्षायणी मुझे प्रिय नहीं, क्योंकि जो पिता मेरे पति का अपमान करता है वह पिता अब इस शरीर का स्वामी नहीं रहेगा। इसलिए गोत्रम त्वदीयम भगवान यदाह वृषभध्वज दाक्षायणी सहसा
अहम भवामि सुदुर्मना, तो दाक्षायणी सुनते ही मेरा मन दुखी हो जाएगा। और सती ने सबको सुना करके वही यज्ञ कुंड में, ईशान कोण में यज्ञ मंडप में बैठ गई। ईशान कोण के देवता भगवान शिव हैं, और अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट किया, ब्रह्मांड में ला करके ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती हुई शरीर त्याग दी। हाहाकार हुआ, भगवान सारे देवता वहां देखे, हाहाकारम अकुर्वस्ते धिग्धिग्नो नो नेतिबादिना, धिक्कार है इस पतित दक्ष को कि इसकी पुत्री परम प्रिया है, इसकी परम प्रेम है इसका, और आज अपने अपमान के लिए ये पुत्री का भी अपमान करता है। भगवान शिव के गणों को जब ये पता चला, उन्होंने सारे यज्ञ मंडप को नष्ट करना शुरू किया। भृगु जी ने रक्षा के लिए यज्ञ घग्न मंत्र पढ़े, गणों ने बचे खुचे जाकर शंकर जी को बतलाया। भगवान ने अपनी जटा को भूमि पर क्रोध में पटक दिया, और पटक दिया तो जटा के दो टुकड़े हो गए, और उससे वीरभद्र और नाना गण उत्पन्न हुए। उनके हजार शिर हैं, हजार भुजाएं हैं, हजारों हाथ हैं, एक शिर से सारे दक्ष को और उसके यज्ञ के लोगों को दंड देने के लिए आ गए। पहले ही सती के अपमान काल में ही नंदीश्वर ने सावधान कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु यज्ञ छोड़कर चले गए थे, कि शिव जी को बुलाया नहीं ठीक, लेकिन जो किया, परंतु अब शिव जी का अपमान कर रहा है, इसलिए दोनों देवता चले गए। बाद में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़े विस्तार से यहां चर्चा है। उस यज्ञ में सारे देवताओं के अंग भंग हो गए, सबको घायल कर दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के दाढ़ी नोच लिया, इस प्रकार से अंगहीन कर दिया। दक्ष का शिर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया, दक्ष समाप्त हो गए। अब महाराज यजमान बीच में ही मर गया, उसका उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भगवान शिव के पास आए, प्रार्थना किया कि प्रभु आप तो अनंत हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, अब आप कृपा करो। भगवान शिव गए, यज्ञ का जो पशु बकरा था उसी का शिर अलग करके दक्ष के धड़ से जोड़ दिया, मृत संजीवनी से जीव जीव कह के दक्ष जीवित तो हो गए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना किए, सारा अहंकार नष्ट हो गया कि मैं ही सब कुछ हूं, ये अभिमान नष्ट हो गया। देवी भागवत में लिखा है कि शंकर जी भगवती सती के योग से छोड़े शरीर को कंधे पर लेकर पागल की तरह से पत्नी के वियोग में संसार में दौड़ने लगे। भगवान ने देखा कि कहीं ये क्रोध में पत्नी के वियोग में तीसरा नेत्र न खोल दें, तो सृष्टि के पालन करता विष्णु ब्राह्मण वेश में आए और सुदर्शन चक्र से भगवती सती के अंग को काट काट कर गिराने लगे। 51 जगह सती जी के अंग गिरे, तो 51 शक्ति पीठे हुई, जिसमें 36 से 40 शक्ति पीठे वर्तमान भारत में, और अखंड भारत में तो सारी शक्ति पीठे थी, कुछ कंधार में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में, कुछ म्यांमार में, जैसी परिस्थितियां बदली हुई तो ये शक्ति की शक्ति पीठे भगवती सती की हुई। लेकिन सती ने शरीर त्याग करते समय एक ही चाहा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बर मांगा, कि मुझे जिस किसी भी योनि में जहां भी जन्म मिले शिवजी ही मेरे पति हों,